देखिए, घरों में दरार और दहशत सिर्फ जोशीमठ में नहीं है, उत्तराखंड के कई शहरों का हाल कुछ ऐसा ही है। कर्णप्रयाग से लेकर टिहरी तक, रुद्रप्रयाग से पौड़ी तक कई घरों में दरार आ चुकी है। ज्यादातर इन्हीं दरारों वाले घरों में डर के साए में लोग रह रहे हैं। जोशीमठ में गम है, गुस्सा है, गुहार है, आंखों में आंसू हैं, आगे का पता नहीं, घर छूट रहा है, सपने टूट रहे हैं, सब कुछ तो छिन रहा है। अब तक दरार वाले 723 घरों को चिन्हित किया गया है, 169 परिवार घर भी छोड़कर जा चुके हैं, 1425 लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। मौसम भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, बीती रात बारिश हुई, बर्फबारी हुई, आगे भी बर्फ की मार पड़ेगी। पिछले दो दिनों से जोशीमठ में मौसम खराब चल रहा है, लगातार दिन में कई बार बूंदाबांदी के हालात होते हैं। इस वक्त आप अगर हिमालयन रेंज को देखेंगे तो समझ में आएगा कि दो दिनों के अंदर किस तरह से बर्फबारी हुई है। पहले हिमालय के ये पूरे रेंज जो आप देख रहे हैं, जहां पे व्हाइट स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पिछले दो से तीन दिनों के स्नोफॉल के बाद पूरी तस्वीर बदली है और अभी भी काले बादल जोशीमठ के शहर के ऊपर छाए हुए हैं। सरकार हर जिंदगी बचाने, हर जिंदगी संवारने का वायदा कर रही है, फौरी मुआवजे का ऐलान भी किया है, पूरे मुआवजे के आकलन के लिए टीम भी बनाई जा चुकी है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। कल तो मुख्यमंत्री को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री धामी ने घर छोड़ने वालों को 1.5 लाख एक मुश्त मदद का ऐलान किया, 10 परिवारों को यह मदद दी भी गई। सरकार शिफ्ट करने वाले हर परिवार को महीने के हिसाब से ये रकम देगी। ये जो पूरा एक एटमॉस्फेयर इस प्रकार का हो रहा था कि पूरा ही जोशीमठ डूब गया है, पूरा खत्म हो गया है, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आज भी 70% करीब यहाँ की सारी दुकानें खुली हैं, सामान्य कारोबार चल रहा है और ओली में कम से कम 2000 के लगभग बाहर से आए हुए पर्यटक रुके हुए हैं और अभी 4 महीने बाद हमारी यहाँ की यात्रा भी चार धाम शुरू होने वाली है। तो ये आपदा हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष आती है, अब ये आपदा आई है, इसमें कठिनाई हुई है, इसमें से भी पार पाएंगे। सिर्फ जोशीमठ ही नहीं डरा रहा, उत्तराखंड के कई शहरों में घरों में दरारें आई हैं। ये तस्वीरें कर्णप्रयाग की हैं, जहां सुभाष नगर इलाके में लोग परेशान हैं, उनके घरों में दरारें आ चुकी हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कहां जाएं। पौड़ी के श्रीनगर में भी दहशत है, श्रीनगर के हेडल मोहल्ला, आशीष विहार, नर्सरी रोड आदि इलाकों में कई मकानों में दरारें आई हैं, जिसका खौफ लोगों के चेहरों पर दिख रहा है। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि जोशीमठ जैसी स्थिति यहां पे होने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो समस्त मोहल्ला है, आशीष विहार लेन नंबर 1-2, ये करीबन पूरा एरिया जो है, यहाँ पे 40-50 परिवार निवास करते हैं। इस पूरे एरिया में जो हॉस्पिटल कॉलोनी हमारी कंबाइंड हॉस्पिटल, और ये टोटल सारा, मैं व्यक्तिगत तो नहीं कह रहा हूँ कि मेरा घर, पूरे सारे जितने भी परिवार हैं, जितने सारे घर हैं, मतलब 60-70 घर जो यहाँ पे बने हुए हैं, सारे प्रभावित हैं और बुरी तरह से प्रभावित हैं। जोशीमठ जैसा खौफ उत्तरकाशी में भी है। बटवाड़ी गांव और शहर के बीच गंगा भागीरथी बहती है और उसके ठीक ऊपर गंगोत्री नेशनल हाईवे है। यहां 2010 में गंगा भागीरथी के कटाव से 50 से अधिक मकान जमींदोज हुए थे, वो खतरा अब भी बरकरार है। भटवाड़ी गांव है ये, यहां पर जो है वर्तमान की स्थिति अगर आप ये देखें कि पूरा का पूरा आदमी इसके अंदर घुस जाएगा। पूरी तरह से ये जो कॉलम है, जो बीम है, इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है। ये पूरी ये दिखा सकती है आपदा के उस मंजर की भयावह तस्वीर जो है 2010 में यहाँ पर जो है बरपा था, और साथ ही इसका असर अब भी देखने को मिल रहा है। अब रुद्रप्रयाग में खौफ देखिए, जोशीमठ जैसा दर्द यहाँ भी है। कई घर जमींदोज हो चुके हैं, कई परिवार बेघर हो चुके हैं, छत छिनी है तो लोगों पर आफत टूटी है। 2-2.5 साल से यह सिलसिला चल रहा है।
टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में भी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन के निर्माण से अटाली गांव के कुछ परिवारों में आई दरारों की वजह से वो गमजदा है। पिछले 2 से 3 दिनों में 1.5 फीट तक दरारें आ गई हैं, जिसके चलते गांव के कई घर खतरे की जद में हैं। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल, उत्तरकाशी से ओंकार बहंगुड़ा के साथ अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा आज तक।